नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पीएमसीएच और पटना एम्स के बीच की दूरी को जो है अब कम हो गया है। वो कम कैसे हुआ है हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। बिहार में पिछले कुछ सालों से सड़कों पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार भी बिहार की सड़कों को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, जिसमें यह कहती है कि आप बिहार के किसी भी जिला मुख्यालय से राजधानी पटना 5 घंटे में आ जा सकते हैं। हालांकि शहर के अंदर लगने वाले जाम से अभी भी सरकार को निजात पाने की ज़रूरत है। ऐसे में बिहार में शहरों के अंदर रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिससे कि जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। ऐसे में बिहार में कई ऐसी शहर हैं जहाँ पर रिंग रोड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे एक्सप्रेस वे हाईवे हैं जिस पर बिहार सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, ताकि लोगों का सफ़र आसान हो सके और उनकी यात्रा आरामदायक हो सके। पटना में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए कई रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के अंदर की सड़कों को लोकनायक गंगा पथ से जोड़ा जा रहा है। इस पथ के निर्माण हो जाने के बाद से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और पटना एम्स जाने का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि पीएमसीएच और पटना एम्स के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। वर्तमान में इन दोनों अस्पतालों के अगर हम जाना होगा तो आपको शहर के अंदर से जाना होगा और यहाँ आपको हैवी ट्रैफिक से गुजरना पड़ सकता है। इस दूरी को तय करने के लिए वर्तमान में 90 से 120 मिनट का समय आपको देना होगा। अब कहा जा रहा है कि अगर गंगा पथ के पीएमसीएच को जोड़ दिया जाता है तो यह दूरी महज 20 मिनट की हो जाएगी। इससे लोगों का समय बचेगा और लंबे जाम से भी उनको निजात मिल जाएगी। पटना लोकनायक गंगा पथ को लेकर कहा जा रहा है कि यह मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। इस पथ के निर्माण हो जाने से 1.5 से 2 घंटे का सफ़र महज 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। एम्स से दीघा एलिवेटेड रोड और गंगा पथ होते हुए सिर्फ 20 मिनट में मरीज आसानी से पीएमसीएच पहुँच सकते हैं। पीएमसीएच की तरफ से बन रहे लोकनायक गंगा पथ का 8 किलोमीटर का लेन बनकर तैयार हो गया है। अब इसे शहर से कनेक्ट कर दिया गया है। इस पथ के बन जाने के बाद से शहर में प्रवेश करने के लिए अब 4 रास्ते खुल गए हैं। अटल पथ का हिस्सा भी शहर से जुड़ गया है। बता दें कि दीघा सेतु से सीधे इन दोनों हाईवे पर आने वाला रास्ता भी तैयार है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन का इंतजार है। बता दें कि गंगा पथ का एलिवेटेड रोड से जुड़ जाने के बाद से पीएमसीएच और पटना एम्स की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसे में मरीज को एक दूसरे अस्पताल में आने जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें तो पीएमसीएच और एम्स के बीच में सफ़र आसान हो जाएगा। पिछले दिनों गांधी सेतु पुल के पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद से पटना और हाजीपुर के बीच का सफ़र काफ़ी आसान हो गया। गांधी सेतु पुल के दोनों लेन चालू हो जाने के बाद से पटना और हाजीपुर के बीच का सफ़र 15 मिनट में तय किया जा सकता है। इसमें अब कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार के लोग अब आसानी से राजधानी पटना आ सकते हैं और अपना काम करवा कर अपने घर जा सकते हैं। तो एक तरह से कह लें कि मरीन ड्राइव, जिसे हम कह रहे हैं लंबे समय तक, उसे गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे सड़क को जो है शहर के अंदर की कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया, उसके बाद से उसे एलिवेटेड रोड के पटना एम्स तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोग पीएमसीएच और पटना एम्स के बीच की जो दूरी जो शहर के अंदर से गुजरना पड़ता था उससे जो है निजात मिलेगी और बेहतर सुविधा को लेकर पीएमसीएच या फिर पटना एम्स आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।